Hey guys, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ फरीदाबाद का माल लोड करने के लिए। सो गाड़ी अपनी ऑन द वे है, अपने को भाड़ा मिलेगा 8,000 रुपए। सो 8,000 की बात करके आया हूँ। और वजन कुछ नहीं है, 3-4 क्विंटल है, सॉरी नहीं, हाँ 6 क्विंटल तक इन्होंने लास्ट बोला था। बाकी देख लेते हैं कितना वजन होगा, वो तो गाड़ी को देखते ही पता लग जाता है। तो गाड़ी गाइस वेट करो, थोड़ी देर तक गाड़ी लोड होगी, देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं डाला डूला खोल के अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर रहा था, देन चना खा रहा था, ये देख सकते हैं भिगो के लाया था। सो इसको खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से लोड करके। ये हो रही है लोडिंग, तो अभी इसको लोड करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। बस यही है, मोल्ड ही है। मैं तो वजन कुछ ज़्यादा समझ रहा था, पर उतना नहीं। लोडिंग अभी थोड़ी देर तक हो रहा है, लोडिंग बस उठाने वाली है, यहाँ पर रखाऊँगा मैं। तो इसको अच्छे से मैंने रस्सी मार दिया है, और मुश्किल से 1.5 क्विंटल है बस। मैंने कहा अच्छे से रस्सी मार दिया जाए ताकि हिलेगा नहीं। सो अब डाला बंद करते हैं। फाइनली लोडिंग करके यहाँ से निकल रहा हूँ, तो बिल वगैरह लेना इसलिए पहले साइड में लगाया जाए गाड़ी को। और वजन तो भाई आप लोगों ने देख ही लिया, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि 1 क्विंटल, वाह मज़ा आ गया। एंड साइड में लगाते हैं गाड़ी को बिल्कुल। अभी सो गाइस यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, अब बिल का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेड़ का छांव है, तो यहीं पे हूँ। सो पेड़ का छांव बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। एक पेड़ के लिए तो एक लाइक बनता है। काश हम लोग भी एक भी ट्री लगाते, मैंने आज तक कभी ट्री नहीं लगाया, बट कोशिश करूँगा कि लगाने की। और आप भी ज़रूर लगाएं यार, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठने का मज़ा ही अलग है यार, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है भाई। पसीने हो गए, फिर भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर, और दोपहर के बज रहे हैं 1, कमाल है ना। तो फाइनली गाइज अपने को मिल चुका है ये बिल, और यहाँ से निकल रहे हैं। पता नहीं क्यों कैमरा सही से दिख नहीं रहा, और बिल टी वगैरह मिल चुका है, और यहाँ पर देना है हमको बिल, ये सारा बिल यहाँ पर देना है। तो इसको दे देते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो गाइज यहाँ से मैंने किया था लोडिंग, ए फैक्ट्री है, और देन बिल वगैरह मिल चुका है, और ये पीछे अपना माल भी लोडिंग है। माल क्या है, बहुत 80-90 किलो है भाई, वजन ही नहीं है कुछ। सो ऐसी अपनी किस्मत होती है भाई, कहते नहीं कि जब अपने लक्ष्य हो अच्छे तो फिर उसी हिसाब से आपको भाड़ा भी मिलता रहता है। मैं 4-5 दिन से 6 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान था। रीज़न ये था कि मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा था, बट कल एक मेरे दोस्त ने दारू का गेड़ा लगवाया था, जो कि मेरा लोकल में ही मेरे को 1500 रुपये बच चुके थे, और एक ये गेड़ा आ चुका अपना फरीदाबाद का। सो गाइज ऐसे जो गेड़े मिलते रहते हैं ना, तो दिल खुश रहता है, क्योंकि यार प्रॉब्लम तो बहुत है। अब गाड़ी मेरी खड़ने वाली भी है, क्योंकि एजेंसी में से फ़ोन आ चुका था मुझे, और देख सकते हैं यहाँ पे टेबल चल रहा है, वाह यहाँ पे तो नहाने का ही मज़ा अलग आएगा। सो गाइज वहाँ एजेंसी से मुझे फ़ोन आ चुका है, उन्होंने बोला है कि भाई आपकी चेसी ऑर्डर पर लग चुकी है, 28-30 तारीख तक उम्मीद है कि आ जाएगी अपनी वो, मतलब कि क्या बोलते हैं अपना चेसिस। सो उसके बाद लगने का उम्मीद है। सो बने रहो गाइस वीडियो में, देखते हैं आगे चल के होता क्या है, अपनी चेसिस लग जाती है और क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा। सो गाइस जुड़े रहें मेरे साथ, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन भाइयों को नहीं पता है कि मैं चेसी क्यों चेंज कराना चाहता हूँ, तो उन लोग को मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि मेरा चेसी ना पीछे से क्रैक हो रहा है, नीचे से जिसको हम लोग बोलते हैं नक्का के नीचे से ना, जो नीचे सपोर्ट होती है वहाँ से हल्का हल्का क्रैक हो गया, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्रैक। क्योंकि रीज़न क्या है, अब क्रैक होने के बावजूद भी मैं लोडिंग कर रहा हूँ, कभी 8 क्विंटल, कभी 9 क्विंटल, कभी 6 क्विंटल, तो इस रीज़न से वो खराब हो ही जा रहा है। और ऐसे रास्ते हैं भाई लोग, क्या किया जाए, देख सकते हो आप लोग रास्ते, खुद देखिए किस प्रकार के रास्ते हैं। सो गाइस बने रहो वीडियो में, तो शाम को निकलेंगे हम सब। मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ टंडारी पुल पे, देख सकते हैं सामने टंडारी फ्लाईओवर आ चुका है लुधियाने में, जो टंडारी पुल है अपना। और म्यूजिक वगैरह सुनते जा रहा था, मैं कहा भाई लोगों को बता दूं कि भाई मैं निकल चुका हूँ। सो आप सभी को स्वागत है भाई लोग, और नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय भीम सभी भाइयों को। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए यार, इसी तरीके से प्यार सपोर्ट दिखाया करो। और एक बात और यार, मैंने अपना ना भाई YT स्टूडियो होता है YouTube का, एक मतलब कि साथ में कॉन्टेक्स्ट होता है, वहाँ से आपका हम लोग चेक कर सकते हैं कितने सब्सक्राइबर अपने देखते हैं हमारा वीडियोस। तो उसमें भाई आया हुआ, बहुत अफसोस से कहना पड़ता हूँ, कह रहा हूँ सो कहना पड़ रहा है मुझे,
कि भाई वहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर है ना जो 40% ही देखते हैं, 60% मेरा सब्सक्राइब वाले देखते हैं। तो भाई बिना सब्सक्राइब वाले भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार आप मेरी वीडियोस देख लिया करो, और जो देख भी लेते हो तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि यार आपके सब्सक्राइब करने से ना आपका पैसा जाता है ना कुछ, बट आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है। सो अपने इंग्लिश तो वीक है भाई, इंग्लिश वीक है इसीलिए तो ड्राइविंग करते हैं। तो सो गाइस यार आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, और जो नए रहते हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, इससे मुझे हौसला और मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं जो आगे बढ़ूंगा तो कसम से कहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आप लोग को बताया करूँगा जो चीज़ें मुझे पता नहीं होंगी, और जो चीज़ें किसी को नहीं, हर ड्राइवर को नहीं पता रहते हैं, तो वो चीज़ें मैं सबको बताया करूँगा। जैसे कि हर किसी को टैक्स काटना नहीं आता था, बट आपके भाई ने टैक्स की भी वीडियो ले आई, जैसे कि हम लोग किसी और स्टेट में जाते हैं तो जो अपना चेक पोस्ट वाला टैक्स होता है उसके बारे में भी बताया, आप लोग को वीडियो आई बटन पे दिख रहा होगा तो वो आप लोग क्लिक करके वो देख सकते हो जो आप लोग नवे चैनल पे मेरे आए हो। तो सो गाइस ऐसी ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग आती रहती है कि बाकी कैसे मॉडिफिकेशन करें, ऐसी भी वीडियोज बताता रहता हूँ। तो भाई अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिना सब्सक्राइब करें मत जाना, और वीडियो में बने रहें। तो थैंक यू, और इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए, लेट्स गो। फरीदाबाद का टूर स्टार्ट है, अपने को भाड़ा मिला हुआ है 8,500 पे। सो गाइस वजन कुछ नहीं है, वजन बस अपना एक 70 किलो या 80 किलो का एक डाई है, वो लेके चल जा रहा हूँ। सो पहुँचते हैं वहाँ पर, मॉर्निंग में खाली करेंगे। सो फाइनली अभी निकल चुके हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आ गया है सरहिंद, सरहिंद में रुके हैं कि ना रुके समझ नहीं आ रहा है। अभी नहीं रुकेंगे यार, अब आगे सीधे राजपुर रुकेंगे, अपन राजपुर चाय चुपी नहीं रहेगी तो राजपुर रुकेंगे, सरहिंद नहीं रुकना, क्योंकि ना अपने को सामान लेना ना कुछ, सीधे सरहिंद रुकेंगे, तब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। ए लो फटाफट कट मारा जाए, यो तेरी कार की यार शरी। YouTube भैया कॉपीराइट मत देना प्लीज। अभी मैं रुका हूँ ये राजपुरे में, तो ये सामने देख सकते हो सामान की दुकान है, तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा बैठते बैठते हैं, चाय वगैरह पीते फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी देख सकते हैं सामान तो भाई कुछ नहीं है, खाली है गाड़ी पूरी अपनी। यहाँ पर से मैंने कुछ लिया तो नहीं, पर अब गाड़ी को साफ करते हैं अच्छे से, और पीछे से देख सकते हैं क्या औसम लुक आ रहा है, पूरा एक नंबर का। सो अब चलते हैं, गाड़ी के शीशे साफ करते हैं अच्छे से, क्योंकि शीशा थोड़ा साफ करना ज़रूरी है, और गाड़ी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जा रहा है इसी गाड़ी। तो निकालते हैं ये अपना इसको, और ये इसके पीछे शायद वो है, पता नहीं कहाँ चला गया, चलो इसी से साफ किया जाए। यदि आप लोग रात को दूर का सफ़र कर रहे हो तो शीशे ज़रूर साफ़ किया करो, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है भाई शीशा साफ़ करने का, क्योंकि शीशे साफ़ रहते हैं तो विजिबिलिटी ज़्यादा दिखता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जिस कारण मैं जब भी जाता हूँ दूर भाई शीशा का ज़रूर साफ़ करता हूँ, तो अभी भी कर रहा हूँ शीशा साफ़ करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। आगे वाला शीशा एंड साइड का शीशा सारे शीशों में, और आगे वाले ग्लास में जो कि अपने लाइट का ग्लास है, सबको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, देख सकते हो आप लोग अंदर बाहर दोनों कर दिया, क्योंकि रीज़न क्या है, विजिबिलिटी बढ़िया होना चाहिए। आप देख सकते हो सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे कितने दाग धब्बे दिख रहे थे, क्योंकि अभी यार कल ना यहाँ पे बारिश होके हटी है, तो कभी बारिश हो जाती है फिर कभी हट जाती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। सो अब तो साफ कर लिया, अब निकलते हैं यहाँ से और लेट्स गो, चलते हैं फटाफट चलते हैं। देख सकते हो बिल्कुल शीशा आप चमक रहा है, ये देखिए दिखता है ना वहाँ का व्यू दिख गया। सो चलते हैं फटाफट यहाँ से अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और अपने पास टाइम है कम, 10 बज चुके हैं, क्योंकि सोना भी है बीच में, तो निकलते हैं फटाफट। तो ये फ्लाई ओवर है, और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इस फ्लाई ओवर पर ना बस एक ही गाड़ी जा सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं। भाई बहुत दिक्कत हो रही है, गाँव में को रोड बना रहे हैं जिस कारण से गाँव का रोड बंद किया हुआ है, पता नहीं सरकार यार कब बैरिगेट हटाएगी, यार कब अपने ये जो झाल माल रखी हटाएगी, यार किसान हटेंगे कब, समझ नहीं आती भाई यार, बहुत दिक्कत होती है भाई, हर गाड़ी वाले को दिक्कत होती है यार, इमरजेंसी में सबको प्रॉब्लम हो रही है भाई, जिसको रास्ता ही नहीं पता है कितने लोगों को यार। सो यार प्लीज़ मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द सही हो जाए, प्लीज़ भगवान रिक्वेस्ट करता हूँ यार, बहुत दुखी हो गया मैं तो यार।
इधर उधर घूम घूम के। कई लोग कहाँ से, मतलब खनौर, खनौर गांव एक ऐसा है, रात दिन यहाँ से गाड़ियाँ चलती है, लगता ही नहीं यहाँ पे रात हो रहा भाई। मुकसद के बाद भाई अब मैं पहुंच चुका हूँ ये अपने हाईवे पे। अब बहुत मुश्किल से भाई पहुंचा हूँ कसम से, दिल दुखी हो चुका है यार। जो रास्ते चल रहे हैं उसको भी बंद कर दिया जा रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, भाई दिमाग खराब हो जा रहा है। और दूसरी बात भाई, आप लोग को ये बताना बहुत जरूरी बात कि यदि आप लोग हरियाणा में हो और दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो प्लीज आप लोग सेंटर वाली लाइन में रहो या साइड वाली लाइन में, फर्स्ट लाइन में चलने की कोशिश मत कीजिएगा। रीजन क्या है, रीजन है कि यहाँ पे चलान कटने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत मोटे चलान कट रहे हैं, ऑनलाइन काट दे रहे हैं, पता तक नहीं लग रहा है। तो इसलिए आप लोग ये सेंटर लाइन में चले, तो साइड वाले लाइन पे मत चले जो डीजल ट्रक चल रहा है। हालांकि मतलब कि हालांकि जो ये नियम लागू हुआ है ये पानीपत से लागू हुआ है, बट आप पहले से ही इधर सेंटर में चलिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। और करनाल यहाँ से रह गया 67 किलोमीटर, तो चलते हैं यार और चाय पानी कहीं पे पिया जाए। भाई लेट बहुत ज़्यादा हो गया, रीज़न क्या है, सब जाम का, 2 घंटे मेरे खराब हो गए, 2। इसका यार हमें पैसा कौन देगा, क्या क्या सीन है यार, हमें तो सीधे रोड में जाने का पैसा मिलता है। पर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, क्या करेंगे, ड्राइवर है, घाटा सहना तो हम लोग के यार खून में है, घाटा सहना ही पड़ेगा। हर ड्राइवर की यही कहानी है, चाहे किसी भी ड्राइवर को पूछ ले लो, रोक लीजिएगा भाई यहाँ घाटा हो गया, कभी पुलिस को दे दिया, कभी कुछ है, कभी डाला दे दिया, कभी यार रोटी का पैसा बचाया था, पता लगा कि यार फिर पुलिस ने रोक लिया या आरटीओ ने रोक लिया, उसको दे दिया। भाई यही है ड्राइवर की जिंदगी। रुक रहे हैं, थोड़ा चाय पानी पिया जाए, उसके बाद निकलेंगे। ये लगाते हैं साइड में गाड़ी और फर्स्ट क्लास एक चाय कप पिया जाए। और आए कमर दर्द होने लग गया है भाई, बहुत दिन के बाद इतने लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ इसलिए कमर दर्द होने लग गया। लाइट वगैरह पहले बंद करो, फिर गाड़ी को ऑफ करेंगे, देन चलते हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद फिर निकले यार। और रात देख सकते हो क्या सुहानी है, वाह इतना औसम है ना मौसम, कितना औसम है ये मौसम, वाह। खुले पैसे रहने देता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है पुलिस वुलिस को देने के, पर्स लेके चलते हैं। ऐसे ही भी आप गाड़ी कभी रोकते हो तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर लिया करो कि टायर ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ मुझे किसी ने सिखाया था। और आप टायर वगैरह चेक ज़रूर कर लिया करो, किसी टायर ज़्यादा गर्म ना हो रहा हो या कुछ और चीज़, या कोई और चीज़ अपनी गिरी तो नहीं है। बस सब चीज़ चेक करने के बाद फिर दोबारा गाड़ी चलाना स्टार्ट करो। तो चुन्नी इधर है, मुझे लगा गिर उड़ गई है कहीं। तो सब कुछ फाइनली ओके है, टायर भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो सब चलते हैं चाय पीने। तो आप लोग भी ज़रूर चेक किया करो, सामने चाय की दुकान है। ये ले ली मैंने चाय और मुट्ठी, खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस ये ले लिया मैंने चाय और ये मुट्ठी रही, 10 रुपये कप चाय, 10 रुपये कप, 10 रुपये की मुट्ठी है। सो इसको खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। हैं कि मैंने एक लेस का पैकेट लिया और देन इसको खा रहा हूँ। अब यहाँ से हम निकलते हैं, ज़्यादा टाइम एक जगह खड़ना सही नहीं है, अपना टाइम बचाना है तो भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना। तेज आ रही है ना, कहने खत नहीं। अभी ये गाड़ी रोका हूँ, रोड देख सकते हो कितनी तेज से चल रहा है। और अपने भाई की हालत देख सकते हो, भाई बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही है, कल रात को मैं सही से सोया नहीं था। अभी यहाँ पे चाय पीते हैं कड़क कड़क वाली बनवा के पूरा, फिर चलते हैं यार। 4 बज गया अभी तक, बस करनाल टपाऊंगे, सोनीपत भी पानीपत भी नहीं आया, चलो देखते हैं क्या होता है। भैया एक कप चाय देना। अपनी गाड़ी खड़ी और यहाँ पर बन रहा है चाय, तो भाई नींद इतनी आ रही थी इसलिए चाय का वेट कर रहा हूँ, चाय मिले यहाँ पर पिया जाए। अपने भाई का हाल देखो, तो चाय का वेट कर रहा हूँ। गाड़ी जन
झंडा देख सकते हो किस हिसाब से लहरा रहा है। चाय आ चुका है, अब चाय को पीते भी निकलते हैं। सोनीपत वाला टोल टैक्स पार कर लिया मैंने और सुबह सुबह देख सकते हो सुबह भी हो चुकी है बिल्कुल। या दोस्तों नींद आ रही थी इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो यहाँ पर तो मैं 5-6 बजे ही पहुँच जाता। सॉरी 5-6 बजे कह रहा हूँ, 3-4 बजे ही पहुँच जाता सवेरे। अब 5 बज गए यहाँ पर, एक डेढ़ घंटा लेट हो गया क्योंकि नींद आ रही थी जिस कारण मैं सो गया था। बट कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा। 8 बजे तक टाइम है अपने को, पहुँच जाऊँगा मैं 8 बजे तक। तो देख सकते हैं फटाफट लेके चल रहा हूँ गाड़ी अब। सुबह सुबह देख सकते हो क्या हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है भाई, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया यार भाई का। रोक के यार पता करते हैं ड्राइवर सेफ है कि नहीं यार, इतना तो हक बनता है बहन। मेरे को लगता भी हाल फिलहाल में ही हुआ है, नींद आने की वजह से हो गया ऐसा। पूछ के आता हूँ, देखता हूँ क्या सीन। देख सकते हो कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया यार भाई, बहुत ही खतरनाक। बोलता हूँ दोस्तों नींद में गाड़ी मत चलाओ, मेरे को भी नींद आ रही थी पर मैं सो गया था, क्योंकि यार नींद में चलाने में ही प्रॉब्लम होती है। देख सकते हो एक्सीडेंट हो गया है, पर भाई अंदर ड्राइवर नहीं है कोई भी मैंने देखा, तो अपने को तो ड्राइवर को सेव करना होता है ज़्यादा उम्मीद, और कुछ कर भी जा सकता हूँ मैं भाई। और किसी चोट से पेट ना लगे यार, उम्मीद तो अपनी यही रहती है। आपका भाई चाहे दिल्ली रहे, चाहे जम्मू रहे, चाहे यूपी रहे, चाहे बिहार रहे, चाहे पंजाब रहे, चाहे हरियाणा रहे, आप लोग बोलते हो ना कि भाई रुक जाया करो, तो इसलिए आपका भाई ज़रूर रुकता है। और वैसे भी यार मैं, आप लोग नहीं कहोगे तभी भी मैं रुकता हूँ, क्योंकि यार कोई पता नहीं है यार, आज जिनका टाइम उसका टाइम आया कल क्या पता मेरा टाइम आ जाए। तो इसलिए हमेशा किसी की भी हेल्प करो। फिलहाल तो मुझे लगता है कुछ अच्छे भले बंदे थे पहले ही जिन्होंने उसको निकाल के लगता हॉस्पिटल वगैरह ले गए हैं। वजन ज़्यादा है नहीं यार, बोरी लोड है, फिर भी पता नहीं कैसे पलटी, वही नींद का कारण होगा, मेन तो नींद का ही कारण लग रहा है मुझे। एक सामने भी गाड़ी रुकी हुई है, अब उसमें क्या पंगा है समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं। ये देख सकते हो एक सामने एक गाड़ी रुकी हुई है। अच्छा मुझे लगता है गाड़ी ख़राब हो चुकी है, हाँ सही पकड़ा मैं, गाड़ी हो गई है ख़राब, दूध वाली गाड़ी है ख़राब हो गई है। सो यहाँ से अब रह गया KMP अपना 2 किलोमीटर। सो KMP के ऊपर चढ़ते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ से रह जाएगा अपना 100-150 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है भाई। ये रोड पे ना, ये दिल्ली हाईवे पे, मतलब दिल्ली जो अपने सीधे डायरेक्ट अम्बाले से दिल्ली आता है, ये हाईवे पे भाई ट्रैफिक बहुत है, चाहे रात में आ जाओ चाहे सवेर चाहे दिन में जब मर्जी तब, बहुत मुश्किल है भाई। बस वाले तो कब्जा करके रखे हैं इस पे। अपनी गाड़ी खड़ी और ये रहा बाथरूम है, मतलब कि इंडियन पेट्रोल पंप है, यहाँ पे बाथरूम जाते हैं। सो चलते हैं फटाफट बाथरूम करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। बोतल वगैरह भर लिया, अब जाता हूँ बुरुस वगैरह करूँगा, मुँह धोऊँगा फिर यहाँ से निकलेंगे, क्यों फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है भाई आज डेट में। तो लॉक खोला जाए, लॉक खुल गया अपना, पानी को रखा जाए इसके अंदर, अब बुरुस उरुस लेके चलते हैं फिर मुँह धोते हैं। देख सकते हैं बुरुस वगैरह लेके जा रहा हूँ, अब बुरुस वगैरह करेंगे और तौलिया ले लिया सर और धो लूँगा, और काफ़ी अच्छा बाथरूम है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फ्रेश होकर तब जाएंगे अब आगे, क्योंकि यार मुँह गंदा गंदा लगने लग जाता ना सवेरे सवेरे। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे कितने अच्छे अच्छे। तो आपका भाई बिल्कुल फ्रेश हो गया देख सकते हो, तो अब पानी वगैरह भर लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं, 5-10 मिनट जो भी लग गया। और काफ़ी राहत फुल होता है यार भाई जब आप नहा धो लेते हो ना, मतलब कि फ्रेश हो जाते हो, काफ़ी अच्छा होता है। और मुँह से अब स्मेल नहीं आ रही है और फ्रेश हो गया हूँ, तब निकलते हैं यहाँ से, अब नींद भी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। सुबह सुबह का मौसम अलग ही होता है, ये देख सकते हैं KMP रोड पे चढ़ रहा हूँ मैं, ये अब ऐसे मतलब कि साइड से कट के फिर KMP रोड पे आ जाएंगे हम लोग। और भाई पीछे एक बंदे का चलान कट रहा है क्योंकि वो ओवर हाइट करके आया है, और
करिश्मा ये है कि वहीं चढ़ते जैसे केएमपी हम लोग चढ़ते हैं ना वहीं पे खड़े थे। चलो कोई बात नहीं, अपना तो भाई एक 70 किलो का है, उससे कोई इशू होने वाला नहीं है, तो फिलहाल निकलते हैं। वाओ, जय सूर्य भगवान की। सामने आ चुका है टोल, जो कि अपना केएमपी का हाईवे का टोल है। जब हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ से चलते हैं दिल्ली मतलब गाजियाबाद की तरफ, तो ये टोल आता है। तो देख सकते हैं सुबह सुबह कितने ट्रक वाले भाई लोग खड़े हैं। तो यहाँ से टोल कटेगा बट पैसे नहीं कटते हैं। टोल मतलब यहाँ से नापा जाएगा कि आप कितने किलोमीटर की दूरी के बाद उतरते हैं, तो उस हिसाब से टोल के पैसे काटे जाते हैं। तो जहाँ पे हमें उतरना है उस हिसाब से, अब यहाँ से मुझे कम से कम 100-150 किलोमीटर जाना है पूरा सीधे। शायद सामने ये पुलिस की गाड़ी है और इन लोगों ने ये ट्रक को रोक लिया है, पता नहीं पुलिस है कि आरटीओ है, आई डोंट नो, बट इन्होंने गाड़ी को रोका हुआ सब भाई। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। जो जो भाई अपना ये केएमपी रोड पे आया है कि बात बताओ यार, ये केएमपी वाले भाई बोलते हैं मतलब केएमपी एक्सप्रेस वाले भाई बोलते हैं कि भाई 120 की लिमिट है, आप एक टॉप स्पीड 120 की स्पीड पे चल सकते हो। तो आप लोग ये बताइए क्या ये रोड सच में 120 की स्पीड पे चलाने लायक है, क्योंकि मैं तो 55-60 पे चल रहा हूँ, मुझे तभी भी दिक्कत हो रही है, ब्रेक मारना पड़ जा रहा है क्योंकि गाड़ी इतना जंप होती है भाई, बहुत ज़्यादा जंप होती है। देख सकते हो एक कैंटर जा रहा है, अब पीछे से कितना ज़्यादा जंपिंग हो रही है। रोड साफ है ही नहीं, मतलब कि बराबर नहीं है, जिस कारण जंपिंग होती रहती है, इस कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। देख सकते हो यहाँ पर भी जंपिंग है। तो आप ये बताइए कि इस रोड पे 120 की स्पीड कैसे लेके जाए भाई, इस बात का जवाब कोई दे सकता है? जब रोड ही नहीं सही है तो 120 का टॉप स्पीड कौन लेके जाएगा? हाँ मैं मान सकता हूँ जो अपना अंबाले से दिल्ली हाईवे है उस पर बंदा चाहे 140 की स्पीड ले जा सकता है, बट जो ट्रैफिक ना हो तो, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ही बहुत रहता है। और देख सकते हैं ये देखिए हवाई जहाज किसी ने लोड किया है, एलोप्लेन ही लोड कर लिया भाई किसी ने। सो ये बात है दोस्तों कि 120 की टॉप स्पीड ये लोग केएमपी वाले बोलते हैं और जाने लायक रोड है ही नहीं। मुझे लगता है 80 भी चला दिया ना किसी ने तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है वो भी। और बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ियाँ तो अपने आप मजबूर हो के बहुत स्लो जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो कहाँ तक एक बात सच है कि 120 की स्पीड, ये देखिए कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मत रुको गाड़ी, यहाँ से जाओ, पुलिस खड़ी है ना, तो पुलिस बोल रही है कि यहाँ से जाओ, पर बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं किस हिसाब से हुआ है भाई। नींद में ज़्यादातर गाड़ियाँ ना एक्सीडेंट में देख लिया हूँ, नींद में ही होती है, कोई माने या ना माने, नींद में एक की गलती रहती है दूसरा भी उसी लपेटे में आ जाता है। तो भाई जो आप लोग को नींद आती है तो सो जाए, क्योंकि नींद आपकी पूरी रहेगी तो एक्सीडेंट के चांस बिल्कुल जीरो रहेंगे। क्या बोलते भाई लोग? तो ये मुड़ चुका हूँ मैं फरीदाबाद की ओर, और ऊपर जाएंगे तो पलवल के उड़ जाएगा सोनीपत, अपन नीचे से जाना है ये यहाँ से ऐसे घूम के, क्योंकि दोबारा चलेगा तो फिर टोल लग जाएगा। अब इस साइड से जाना है अपने को, और आगे एक टोल आएगा, टोल में पर्ची कटाएंगे अप्पा, कटवाएंगे टोल अप्पा। यहाँ पे टोल कट चुका है और यहाँ से निकल गए अप्पा। अरे यार रोड बिल्कुल ही बेकार है, जो 120 की स्पीड लोगों ने बोला है, मैं तो ये सोच कह रहा हूँ कि 120 की स्पीड कैसे कोई चलाएगा भाई, इतने झटके हैं, इतने झटके कहने खत नहीं। हरियाणा पुलिस का यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लगा हुआ बोर्ड, बट अपने को 1% भी डरने की लोड नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि अपने पास कोई ओवरलोड माल नहीं है, ऊपर से सारा कुछ अपने पास पूरा है, और आपके भाई का 1 रुपये की एंट्री नहीं लगी, 1 रुपये, ये बहुत अच्छी बात है भाई, 1 रुपये की एंट्री। तो अब लग चुका है आपको, तो जाके खाते पीते हैं, उसके बाद जाएंगे फैक्ट्री में जहाँ पे ये मशीन उतारना है, उसके बाद जाएंगे अब आगे जहाँ पर हमने अपना वो करना, क्या कहते हैं, लोडिंग करनी है ट्रांसपोर्ट से। सो अभी चलते हैं फटाफट और इसको उतारना है फैक्ट्री में, सो बने रहेगा इस वीडियो में। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं, ये रही सामने फैक्ट्री, यहाँ पे उतरेगा माल। सो अभी मैं बिल वगैरह दे के आया हूँ इनसे और बातचीत कर लिया, बोलते हैं 5-10 मिनट वेट करो उसके बाद आपका डाई उतार देंगे। मैं कहा ठीक है।
पर एक बात और है यार, यहाँ पर भी ना फैक्ट्रियाँ बिल्कुल साफ तरीके से बनी हुई है, काफ़ी अच्छी बात है। देख सकते हैं बिल्कुल कितना मस्त लग रहा है, जैसे लगता है मॉडल टाउन में आ गए, फैक्ट्रियों के मॉडल टाउन। सैलाकुई की याद आ गई। सो गाइस, वहां से मैंने कर लिया गाड़ी खाली और वहां से निकल चुका हूँ। किराया भी अपने को मिल चुका है 8,500 रुपया। और इधर अब मैं जा रहा हूँ साइड ट्रांसपोर्ट, जो कि अपने फरीदाबाद में है, तो वहां पे जाते हैं और गाड़ी वहां से लोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही प्यार बनाए रखो भाई, आपका भाई नवी नवी चीज़ें जरूर लेके आएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि भाई आपका भाई भी बिल्कुल नवा है, बट जितने लोग भी मुझे जो जो चीज़ें बताते हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू एंड बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद।